तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सऊदी एयरलाइन ने जो फ़्लाइट का लिस्ट दिया था, ये जो आप देख रहे हैं कि नवंबर से हर एक कंट्री के लिए हम फ़्लाइट चालू कर रहे हैं, जो कि इसमें इंडिया भी शामिल था। लेकिन दोस्तों जब आप सऊदी एयरलाइन के वेबसाइट पे जाओगे, आप जब चेक करोगे तो ये फ़्लाइट का शेड्यूल अब आपको, मतलब ये लिस्ट आपको अब नहीं दिखेगा सऊदी एयरलाइन के वेबसाइट पर। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आज ही चेक किया हूँ क्योंकि 25 तारीख को अपडेट दिया था सऊदी एयरलाइन ने इंडिया का, जिसमें नाम शामिल किया गया था और कहा भी गया था, बहुत लोग कमेंट भी करने लगे कि प्रेमिटेड ट्रेवलर्स जो लिखा है उसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो जवाब दिया था सऊदी एयरलाइन ने कि ये लोग आ सकते हैं, एग्जिट री एंट्री विजिट वीज़ा वाले और फैमिली वीज़ा वाले, रेसिडेंसी वीज़ा वाले जो है वो लोग जो आपको दिख रहा है वो लोग आ सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कि सऊदी एयरलाइन के वेबसाइट पर अभी भी वो लिंक है, मतलब वो फ़्लाइट जो आप देख रहे हैं ये लिस्ट, ये है या अभी डिलीट हो चुका है। चलिए आप भी थोड़ा देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे सऊदी एयरलाइन के वेबसाइट पे गए, यहाँ पे देखिए 26 तारीख को एक ट्वीट ये जारी किया है, उसके नीचे हम आते हैं तो ये देखिए 25 तारीख को ये ट्वीट दिख रहा है, फिर ये 25 तारीख को दिख रहा है, फिर देखिए यहाँ पे एक 25 तारीख को ये दिख रहा है, फिर 24 तारीख को आ जाता है। मतलब कि 25 तारीख को जो अपडेट दिया था दोस्तों वो डिलीट कर दिया है, मतलब ये जो फ़्लाइट का लिस्ट में बारे में बताया था कि इंडिया भी शामिल था उसमें, तो उसका लिस्ट जो है दोस्तों डिलीट कर दिया है। अगर आपको भी जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, वो ट्वीट नॉट अवेलेबल बता रहा है, मतलब कि वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। तो 26 तारीख को जो ट्वीट जो एक किया था तो उसमें बहुत लोग कमेंट करने लग गए कि सर जब हम भारत से सऊदी अरब के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, मतलब भारत से सऊदी अरब के टिकट बुकिंग कर सकते हैं, तो अभी सऊदी अरब ने अब जवाब क्या दे रहा है, देखिए अब अलग जवाब दे रहा है। यहाँ पे लिखा है प्रिय अतिथि, इस समय भारत से सऊदी अरब के लिए कोई उड़ान नहीं है, कृपया यह लिंक दिया है उस पर जाकर के शेड्यूल आप देख सकते हैं, आपको टिकट, मतलब कि लिंक दिया है उस पर अगर आपको दिख रहा है बुकिंग हो रहा है तो आप बता सकते हैं, मतलब कि हाँ हो रहा है। लेकिन दोस्तों कितना बार मैं टिकट बुकिंग कर करके थक चुका हूँ लेकिन टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है, जो कि दिल्ली से भी कर रहा हूँ, मुंबई से भी कर रहा हूँ, कोची से भी कर रहा हूँ, जद्दा के लिए कोई टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है दोस्तों। ये 26 तारीख को भी मैं बता दिया, ये देखिए मैं अभी भी टिकट बुकिंग करके आपको बता देता हूँ, सऊदी एयरलाइन जो लिंक दे रहा है कह रहा है कि आप जा कर के यहाँ पे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम फिर से आपको बता देता हूँ, आज 27 तारीख है तो बता देता हूँ, ये देखिए दिल्ली से मैं जद्दा करके बताता हूँ आपको कितना तारीख से टिकट बुकिंग हो रहा है, मुंबई से करते हैं ठीक है, मुंबई से मैं जद्दा कर लेता हूँ, तो मुंबई से जद्दा करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मुंबई से जद्दा वन वे कर लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे नवंबर 4 को देखते हैं, नवंबर 4 को क्या हो रहा है, बुकिंग हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे तो बता रहा है कि ग्रीन जैसा दिख रहा है, मतलब टिकट बुकिंग हो सकता है, और जब उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक नहीं होता है, मतलब कि इससे बता रहा है लेकिन टिकट बुकिंग का ऑप्शन नहीं आता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आता है वन टाइम लिखा हुआ, उससे आगे नहीं आता है ठीक है। यहाँ पे बता रहा है 12 नवंबर 2020 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से मुंबई से फ़्लाइट है 12 नवंबर को। दोस्तों आपने देख लिया कि टिकट बुकिंग जो है सऊदी एयरलाइन का जो लिंक दे रहा है उस पर जा करके अगर आप टिकट बुकिंग करना चाहेंगे तो टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों सऊदी एयरलाइन ने कहा था कि इंडिया के लिए भी शुरू कर रहे हैं फ़्लाइट, लेकिन दोस्तों ये बैड न्यूज़ था। अब देखिए हो सकता है उसमें कुछ चेंज करके फिर से जो है लिस्ट जारी करें, ताकि उसमें बहुत कुछ नहीं था, जैसे कि आउटबाउंड या इनबाउंड जा भी सकते हैं या आ भी सकते हैं, वो सब भी नहीं लिखा था। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस करके और फिर से जो है लिस्ट जारी करें, या उसमें लिखे एग्जिट ये कौन कौन वीज़ा वाले आ सकते हैं पूरा डिटेल्स में लिख करके दें, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज थे कि इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, मतलब यहाँ से जाने वाला भी है कि वहाँ से आने वाला भी है, ये सब हो सकता है उसमें एड करके फिर से ये फ़्लाइट का लिस्ट जारी करें, ये हो सकता है। देखिए आने वाला टाइम में फिर से मालूम पड़ेगा कि क्या सऊदी एयरलाइन अपडेट दे रहा है, तो आप लोगों को दोस्तों मालूम पड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो में देखेंगे जानकारी आप लोगों को पसंद आए, तो लाइक करके चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें।